शांति। आज 29 अक्टूबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें अब आवाज से परेशाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी, तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो, तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता है, बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए, यह तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते, हाँ बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि यह राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है, बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है, त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो, तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है, यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है, बाप सिर्फ कहते हैं। मीठे मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख यह तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं, ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है, उन्होंने यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने, बाप स्मृति दिलाते हैं। तुम विश्व के मालिक थे, तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ बुद्धि उच्च बुद्धि कहा जाता है, तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले उच्च बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही उच्च थे, अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा, 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे। पति थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं, उन्होंकी महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा, संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है।
अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। यह भी बच्चों को समझाया है कि यह ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बाबा रहमदिल है ना, बाबा जानते हैं। बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पाँव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। बाबा कहते हैं, तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थक सब दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है, पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं। बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं, यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, याद की यात्रा से ही तुम ऊंच पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। पहले यह निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, वह बाप यह दादा, वर्षा उनसे मिलता है। वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले। वह है सबका रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है। वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है, यह ही ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो सतयुग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता है, उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान हुआ ना, हम सबको पतित से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। माया के तूफान आएंगे, बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है, योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ,
बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके। वह कह देते हैं, सब भगवान के रूप हैं, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो, अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहा झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते हैं, बच्चे हाथों से काम करते, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हथ कारडे बुद्धि यारडे, बाबा सर्जन भी हैं, सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके, कर्म भी एक जैसे हो न सके। तो कदम कदम पर पूछना चाहिए, मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं, अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ, हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। यह ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पार्ट है। तुम भी बाबा के साथ साथ पार्टधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं, बड़ाई एक की ही है, जो सर्व मनुष्यों को सदगति देता है, सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सो बचाना है, धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है। इसमें बड़ाई क्या है? राज्य करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे? वर नॉट पेनी। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह तुम्हारा पार्ट है। फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं। भगत लोग बड़ाई देते, महिमा गाते, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा, इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता नहीं। बाबा, हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पार्टधारी अच्छा पार्ट बजाते हैं तो ताली बजाते हैं। हम भी कहते हैं, मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पार्ट है। हम भी बाबा के संग अच्छा पार्ट बजाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी किन्हों को समझ में नहीं आता तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इन्हों को आना नहीं है। यह भी जानते हैं, जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पार्ट मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखें मन में क्या है, उनके ऊपर क्या है। उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन, वहाँ क्या देखेंगे? लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते हैं। साइंस की भी हद है ना, माया की भी बहुत पॉम्प है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट जाते, आग जला देती। वहाँ मकान बहुत बड़े होते, सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने,
बाबा को याद करो तो खाद निकले। तुम सब आशिक हो, अब माशूक तुमको कहते हैं, मामे कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ अकाली मृत्यु होता नहीं, सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, यहो है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पर नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट है इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पार्ट है, आज का वरदान है। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। विश्लेषण है बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन है मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।